अभी ठीक है। तैयार आना। हाँ OBS में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेरा लिनक्स का थोड़ा हो गया है कचरा। हम कितना मस्त काम किए जानते हो। वेयर पार्टीशन हमको याद था, लिनक्स में हम लोग अलग से बनाते थे, क्या कि वेयर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो लिनक्स में मतलब डिस्क फुल हो जाता था। तो बहुत दिन बाद KDE नियॉन डाले थे ना हम, तो KDE नियॉन में शायद वही चीज़ हुआ। और इस बार ठीक है, तो हुआ तो हम जो इसमें आके वेयर पार्टीशन उड़ा दिए, और वेयर पार्टीशन उड़ा दिए तो अब देख रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और उस समय तो फिर भी जो जो फाइल फोल्डर मिसिंग था वो बना दिए, थोड़ा देर काम किया, पर उसके बाद फिर रिबूट हुआ तो बूट ही नहीं हुआ, लॉगिन स्क्रीन पर अटक गया। तो अभी हम लोग जो किस्सा है वो ख़त्म करने के लिए, मतलब जो फ्री कोड कैंप वाला किस्सा है ना वो ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम अभी स्क्रीन शेयर करते हैं और एक बार स्पीड में सारा का सॉल्यूशन कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबके लिए बाद में, मतलब अगर स्पीड में मान लो 15 मिनट में पूरा देखना होगा तो एक जगह होगा रेफरेंस का कि आठों दसों आठों जितना भी टॉपिक है उसको एकदम स्पीड में हम लोग देख गए, तो कभी भी डॉकर रिवाइज करना होगा तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वही वीडियो पूरा देख लिए काम हो गया। हेलो, सही है, सही ठीक है, है भैया, सही सही है ना। अरे अचानक से सब कोई का नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो गया, क्या बात है। ठीक है चलो, तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन होगा स्क्रीन टू शेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी तुम लोग को OBS दिख रहा होगा ना, और OBS रिकॉर्ड कर रहा होगा स्क्रीन वन, ठीक है। तो इसमें हम इसको चुनेंगे कैसे, हाँ इसको चुन लिए और इसको कर दिए यहाँ से एक न्यू टैब उठा के हम इधर लेते हैं, ठीक है। और OBS का जो सेटिंग है उसको हम कर दिए फुल स्क्रीन। तो अब जो OBS आ रहा होगा वो कुछ सही आ रहा है, ठीक है। तो सीन सही है ना। हेलो, हाँ सही है। हम लोग बात करते रहेंगे, मतलब सिर्फ हम नहीं करेंगे, हम लोग साथ में मिलके उसको करते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट आपको क्या दिया था, जाएगा। codecloud.com/p/dockerlabs, ठीक है। कोई अगर नहीं भी कर पाए अभी तक तो एक बार में सबका मतलब सब कोई एक ही स्टेज पे आ जाएंगे और वो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। जब तक लोड होता है तब तक मतलब किसी को कुछ डाउट या किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी तक, या फिर किसी को कुछ कहने का मन है या कुछ नया मस्त चीज़ दिखा, जैसे हम कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कुछ अजीब सा चीज़ दिखा जो जिससे कुछ अच्छा डिस्कशन निकल सकता है तो शेयर कर सकते हैं। मेरा आवाज़ सब तक पहुंच रहा है ना। हाँ हाँ भैया, पाँच आवाज। कैप्चा है कहाँ जो योर कैप्चा वाज नॉट वैलिड दिखा रहा है। हाँ ये बग है, ये है, ये बग है, ये बहुत बार होता है, एक और बार कीजिए ले लेगा। नहीं लेगा, फिर बोलेगा टीचेबल, फिर लॉग इन टू टीचेबल करेंगे फिर बोलेगा इनवैलिड, लेकिन लॉग इन ले लिया, नो थैंक्स, गो बैक टू स्कूल करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हम लॉग इन हैं। बेसवा हम लोग से ये सब नहीं होता है, हम लोग का लॉग इन सही आता है, ये सब गलतियाँ हम लोग का भी। ऑनलाइन
लॉगिन तो हो जाएगा। ठीक है, ये पहला लैब है, इसको क्लिक करते हैं एक्सेस करने के लिए और सिनेरियो स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन होगा थोड़ा देर में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हम ये कह रहे थे ना कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो किताब है ना, प्लेलिस्ट में तो चार वीडियो है, चार छोटा छोटा वीडियो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट तो अपने तरीके से होते रहेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि वो बुक पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ देख रहे हो कितना मस्त है कि मतलब यहाँ पे कर रहे हो, ये डॉकर से बात कर रहा है और उसके हिसाब से तुम्हारा कोड टेस्ट वेस्ट हो रहा है और सब कुछ वैलिडेट भी यही लोग कर रहा है। हेलो, सब कोई अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं? सेशन नहीं चल रहा है तो सबसे पहले व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ डॉकर सर्वर इंजन रनिंग ऑन द होस्ट, मतलब कौन सा होस्ट इंस्टॉल है। डॉकर वर्जन डालेंगे, यहाँ पे 1938 है इसीलिए 1938 सेलेक्ट किए, सही हो गया। हाउ मेनी कंटेनर्स आर रनिंग ऑन द होस्ट, डॉकर पीएस किए, ज़ीरो, कहे कि एक भी नहीं आया, उसको क्लियर किए। साइज़ वगैरह बढ़ाना है क्या? थोड़ा सा बढ़ाना। होगा 150 तक ये झेल पाएगा, ये कितना झेल पाएगा? बस सही है, सही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 रेडिस इमेज, रेडिस इमेज है, डॉकर रन डॉकर रेडिस। ठीक है, रेडिस एक डेटाबेस है जिसको मतलब सॉफ्टवेयर जैसा रन करेंगे, तो रन किया, रन कर रहा है वो चेक किया, अब ये अपने आप अगले क्वेश्चन में जाएगा और मेरा माउस हैंग कर गया। चलो पहले इसको कंट्रोल सी करते हैं, क्लियर करते हैं। अच्छा, स्टॉप कर दिया, कंट्रोल सी से तो स्टॉप होता है। हाउ मेनी कंटेनर्स आर रनिंग, भाई चालू किए तो 0 ही होगा, स्टॉप कर देते, लेकिन फिर भी पी एस करके देख लेते हैं। तो अच्छा, ये नया बना रहा है, देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, हमको लगता है कि 1 2 3 4, चार सही है ना। माइक को अनम्यूट करो सब। हाँ, सही है, सही। हाउ मेनी कंटेनर्स आर प्रेजेंट ऑन द होस्ट नाउ, तो उसके लिए डॉकर पीएस ये था देखने के लिए कि कितना है अभी। 1 2 3 4 5 6, छः मारे। हम लोग ये प्लेटफॉर्म का क्लोन बनाएंगे, ये जो काता कोड प्लेटफॉर्म है ना, व्हाट इज द इमेज यूज टू रन द एंजिन एक्स वन कंटेनर। एंजिन एक्स वन उसका नाम होगा, एंजिन एक्स अल्पाइन। ये इसको एक लाइन में लाने के लिए एक बुक था डॉकर फॉर डमीज, तो डॉकर फॉर डमीज में अपना एक फॉर्मेटर बनाया हुआ था जिसमें ये जैसे हॉरिजॉन्टली आता है ना, उसमें वो सारा चीज़ फॉर्मेटर के थ्रू आया हुआ था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंटेनर क्रिएटिंग द उबुंटू इमेज, उबुंटू कहाँ गया? उबुंटू से बना हुआ कंटेनर का नाम है ऑसम नॉर्कर। सब नॉर पर ठीक है, व्हाट इज़ द आईडी ऑफ द कंटेनर यूजेस द अल्पाइन इमेज एंड इज़ नॉट रनिंग, तो अल्पाइन इमेज दो है जिसमें से एक रनिंग है और एक एग्जिटेड है, तो एग्जिटेड वाला का जो नाम है 0 2 5। वो है बिजी किल बी। अच्छा,
ऐसे 0257, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ स्टॉप्ड अल्पाइन कंटेनर? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्जिटेड है, तो एग्जिटेड में आ गए। उसके बाद डिलीट ऑल कंटेनर्स फ्रॉम द डॉकर होस्ट बोथ रनिंग एंड नॉट रनिंग वंस, रिमेंबर यू मे हैव टू स्टॉप कंटेनर्स बिफोर डिलीटिंग देम। डॉकर पीएस जो जो रन कर रहा है, डॉकर स्टॉप कमांड है ना, काइंड लिव इन एनजीनेक्स टू डॉक्टर स्टॉप, इतना सारा का नाम लिख के उसके जगह पे ना डॉक्टर डॉकर स्टॉप और उसके बाद डॉकर पीएस लिख दे सकता है। तो ब्रैकेट उसका फॉर्मेट मेरे को पता याद नहीं अच्छे से। उसके बाद वो डॉलर साइन, उसके बाद ब्रैकेट में डॉक्टर पीएस डैश ए क्यू डैश ए क्यू ए ए क्यू हाँ डॉलर साइन होगा, डॉलर साइन होगा। अच्छा हाँ, ए क्यू क्या करता है? क्यू उसको एज अ लिस्ट, मतलब सिर्फ कंटेनर आईडीज को एज अ लिस्ट प्रेजेंट करता है। एक सेकंड, एक दो तीन चार, एक और दो तीन चार, फोर्स स्टॉप करना भी पड़ेगा शायद। सिर्फ डॉकर पीएसक्यू से काम चल रहा है अपना, ठीक है। और एक्चुअली इससे क्या होगा, पीएसक्यू सिर्फ रनिंग करेगा शायद, जो जो रनिंग है वही हाँ लिस्ट करेगा। तो मैं तुमको रनिंग नॉट रनिंग दोनों रिमूव करना है। रिमूव का बात नहीं, पहले स्टॉप करेंगे ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि तो माइनस एफ या समथिंग फोर्स रिमूव करोगे ना तो स्टॉप करके रिमूव कर देगा। क्यू क्यू से तुम्हारा ये कंटेनर आईडी है, ठीक है। नेम के लिए क्या करना होगा? वो डॉक्यूमेंटेशन में है, ठीक है। क्यू क्वाइट है, ठीक है। नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, डॉकर स्टॉप डॉलर, यहाँ पे मतलब यहीं पे कैलकुलेट कर रहा है डॉकर पी एस क्यू। बोथ रनिंग एंड नॉट रनिंग, ठीक है। उसको डॉकर आर एम से कर देंगे, डॉकर आर एम। अभी भी वो सेम ही लगा सकते हो, वो सारा डिलीट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक क्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अब डॉकर पी एस ए करेंगे, क्योंकि वो सब तो रनिंग था ही नहीं, ठीक है। तो ए लगाना था, चलो उबुंटू इमेज। तो डॉकर आर एम आई उबुंटू लेटेस्ट जो भी है। इसमें टैब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टैब बटन, ताकि ऑटो कंप्लीट मिले उन लोग के लिए जो टर्मिनल पहली बार यूज करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पुल अ डॉकर इमेज विच विल बी यूज टू रन अ कंटेनर लेटर, पुल द इमेज एंजिनक्स, ओनली पुल द इमेज डू नॉट क्रिएट। वही डॉकर पुल एंजिनक्स 1.14 अल्पाइन, वन डॉट ज़्यादा हो गया। चेक किए, डॉकर रन डैश एन काम करता है क्या? डैश नेम होता, डबल डैश नेम होता है ना? हाँ, शॉर्टकट काम करता है कि नहीं? नहीं करता है। ठीक है, ये कर लेना। तुम ये बोलना चाह रहे हो आनंद? हाँ,
ये क्लीन अप हो गया। ओह अच्छा, इमेज डिलीट करना है, तो इसका भी कुछ है क्या ऐसा कुछ? हाँ सारा में काम करेगा ये। हाँ तो बेसिकली डैश क्यू क्वाइट मोड में खाली हमको इमेज का शा दे देता होगा, नहीं? इमेजेस हेल्प, और ये हमको ये बता रहा है कि क्वाइट मोड फिल्टर या फॉर्मेट स्ट्रिंग डालने के लिए स्लैश एफ है, मतलब अगर खाली नेम भी डालना है ना तो एक फॉर्मेट स्ट्रिंग इसको दे सकते हैं हम लोग। एक फॉर्मेट स्ट्रिंग को एनवायरनमेंट वेरिएबल में लोग स्टोर कर लेता है और उसे डैश एफ करके उसको करता है। शो ऑल इमेजेस, शो, ठीक है। ये वाला लैब तो ख़त्म हो गया, इसको क्लोज किए, इसको एग्जिट किए, इसको क्लोज किए। अब क्लोज किए, कंप्लीट एंड कंटिन्यू कर रहे हैं लैब टू में। लैब टू जब तक ऑन हो रहा है तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो या किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो? सब कोई को सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज़? बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटरनेट ही काम करना बंद कर दिया। नहीं आवाज आ रही है एयरवेज। बीच बीच में फीडबैक देते रहो, चाहे माइक ऑन ही छोड़ दो, तो पंखा का आवाज़ से भी हमको समझ में आता है कि कम से कम इंटरनेट सही चल रहा है। हाँ, फिर से डॉकर पीएस से देख रहे हैं हम लोग कितना कंटेनर ऑलरेडी चल रहा है। एक कंटेनर मिला, इमेज जो ये यूज़ कर रहा है फाइन यूज़ कर रहा है। एंजिन एक्स एक वेब सर्वर है जो अल्पाइन एक लाइटवेट लिनक्स है उसके ऊपर बना हुआ है। हाउ मेनी पोर्ट्स आर पब्लिश्ड ऑन दिस कंटेनर? इस कंटेनर पे पोर्ट तुम्हारा एक पब्लिश हुआ हुआ है और दो पब्लिश हुआ हुआ है, तो उसको दो कर देंगे। विच ऑफ द बिलो पोर्ट्स आर एक्सपोज्ड ऑन द कंटेनर? मतलब कंटेनर का कौन कौन सा पोर्ट एक्सपोज किया हुआ है, तो ये 3456 और 38080। तो नहीं, 3456 और 80, ठीक है। 3456 पे कौन सा कोई डेटाबेस रहता है क्या? और होस्ट का 3456 और 38080। रन एंड थ्री फोर एक्स फाइव सिक्स चेक करना पड़ेगा एक मिनट। सिंपल वेब ऐप, रन एन इंस्टेंस ऑफ विथ अ टैग ब्लू एंड मैप पोर्ट 8080 ऑन द कंटेनर टू 38282 ऑन द होस्ट। तो इसको थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट के लिए हम डॉकर रन करेंगे और एक एस्केप कैरेक्टर देंगे जिससे हम नेक्स्ट लाइन में आगे का कमांड लिख सकते हैं। पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, हमको अपना होस्ट का 38282 डॉकर के पोर्ट 80 पे मैप करना है। हम गलत हैं तो तुरंत करेक्ट करो। उसके बाद फिर हमको इसको नाम कुछ नहीं देना है, सीधे इमेज देना है, कौन सा इमेज रन कर रहे हैं। पोर्ट क्लाउड स्लैश सिंपल, वेब ऐप टैग दे देते हैं ब्लू। अब यहाँ पे वेब प्रीव्यू भी है, इसको छोटा करेंगे तब पता चलेगा।
नहीं ये वाला में नहीं है क्या? नहीं वैसे तो बेसिकली ये इस पोर्ट पे रन कर रहा है, तो कर्ल वगैरह इंस्टॉल करके इसमें वो सब काम कर सकते हैं ना, लेकिन बाद में ऐसे अभी ज़्यादा नहीं। इसको अगर एक्सेस करना है तो लोकल होस्ट 8080 पे एक्सेस नहीं होगा ये। एक सेकेंड, हम कुछ गलती किए हैं, कंटेनर का पोर्ट 80 नहीं करना था, 8080 करना था। सही डाले ना, ये वाला भी हो गया। क्या बोला, 8080 पे एक्सेस नहीं एक होगा? एक बार ये रन करके, मतलब एक बार ये एक्सेस करके देखो तो हो रहा है कि नहीं लोकल होस्ट 8080 पे। एक्सेस कैसे करोगे तुम लोकल होस्ट? तो भाई इसका जो आईपी है ना, इसका आईपी को जब 8080 पोर्ट पे एक्सेस करोगे ना तब होगा। यहाँ पे तुम होस्ट पे पोर्ट 8080 देख सकते हो, और होस्ट पे तुम कोई पोर्ट सेलेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है, और क्लाइंट पे 8080 देख सकते हो या क्लाइंट वन पे, ठीक है। तो अच्छा दिखा रहे हैं, पहले कोई कंटेनर रन नहीं कर रहा है, एक खाली शुरू वाला रन कर रहा है, ठीक है। आर एम एफ डॉलर डॉक्टर प्लस, यही करना है पहले। जितना भी चीज़ रन कर रहा था पहले डिलीट कर दिया, क्लीन अप हो गया। अब ये वाला जो कमांड हम चलाए थे ना, ये जो होस्ट मशीन है, ठीक है, सेलेक्ट पोर्ट टू व्यू ऑन होस्ट वन में जाएंगे, और होस्ट का 38282, ठीक है, 38282 डिस्प्ले पोर्ट करेंगे तो हमको दिख जाएगा ये ब्लू वाला, ठीक है। और अगर हम क्लाइंट के अंदर घुसना चाहेंगे और ये डिस्प्ले पोर्ट करेंगे तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए क्लाइंट ये है शायद, ठीक है। हमको होस्ट का 38282 देखना है, उसके अंदर फिर तुम्हारा ये डॉकर चल रहा है। अब इसका 8080 एक्सेस करने के लिए इसको डिटैच मोड में चलाना होगा, और उसके बाद फिर उसको अटैच करके एक टर्मिनल, और उसके बाद फिर उसमें घुस के कर्ल से उसका HTML लेके उसको कैट करना पड़ेगा। अच्छा समझा, क्योंकि वो कंटेनर के अंदर है और ये एनवायरनमेंट है, तो इससे तुम होस्ट को देख सकते हो कम से कम, कोई भी पोर्ट को, ठीक है। तो ये वाला क्विज खत्म हो गया, कोई और डाउट? हाँ, अब हम लोग लैब 3 में करते हैं। क्लिक हियर टू एक्सेस लैब्स। देखो 6-7 हम नहीं किए हैं, 6-7 में हमको हेल्प चाहिए होगा, ये तो रटा हुआ है एक तरीके से। देखो इसमें आया हुआ है ना होस्ट का 38282, ठीक है, और अगला वाला लैब में 38282 भी था, 38383 भी था शायद, ये इसी में अगला वाला में। ओ ये रेशियो पे है, रेशियो एक सही नहीं होगा ना तो ये उड़ा देगा, तो इसको थोड़ा सा और करके जूम कर सकते हैं। क्विज पोर्टल आ गया, इसको इधर डालो, थोड़ा जूम वगैरह कर लेते हैं।
ऐसा एक प्लेटफॉर्म इंटरनली बना लिए तो समझ लो डॉकर आ गए। हाँ एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए पहले तो रनिंग कंटेनर खोजना होगा, उसके बाद फिर इसका नाम क्या है, एलिगेंट। अब ये वाला जेसन फाइल में खोजना पड़ेगा कि इसका स्टेट इमेज होस्टिंग कॉन्फ़िग आइसोलेशन कॉन्फ़िग के अंदर env होता है ना। हाँ रैप कलर यहाँ पे पिंक है तो इसको पिंक कर देंगे। कुछ हो गया, अब इसको पहले थोड़ा सा सफाई कर देते हैं। और एक कंटेनर है जिसका नाम है ब्लू ऐप, ठीक है। तो और क्या करना है, ऐप कलर को ब्लू करना है। डैश ई ऐप कलर ब्लू, गलती कर रहा हूँ तो बताना तुम्हें। पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, एप्लीकेशन का पोर्ट 8080, होस्ट का पोर्ट 38282। और अब इमेज का नाम पोर्ट क्लाउड स्लैश सिंपल वगैरह। तो यहाँ पे होस्ट 38282 में ना ये चलने लगेगा। डिप्लॉय अ MySQL डेटाबेस यूजिंग द MySQL इमेज एंड नेम इट MySQL DB। सेट द डेटाबेस पासवर्ड टू यूज, लुकअप द MySQL इमेज ऑन डॉकर हब एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर यूज ऑफ सेटिंग फॉर द रूट पासवर्ड। देखो यहीं पे मिल जाएगा वो सेटिंग क्या है, पर सही तरीका यह होगा डॉकर हब में जाना और यहीं से मैं इसे कुल सर्च कर सकता था। और यहाँ पे फिर ये भी एक तरीका है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में ये लिखा हुआ मैं सिक्योर रूट पासवर्ड, तो शुरू करते हैं। डॉकर उसके बाद फिर इसका जो अच्छा और कुछ नहीं है तो बस एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है MySQL रूट पासवर्ड इज इक्वल टू DB पास 123। और इमेज का नाम MySQL ही है तो ये बाकी कर लेगा। तो इसके बाद हम चेक कर लेंगे। वेट करना है।
ये आखिरी क्वेश्चन देना इस लैब का। माइक यार तुम लोग अपना चालू रखो, हाँ भैया आखिरी ही है। हाँ माइक बंद करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, किसी का पीछे का हल्ला नहीं आ रहा है। अचानक से सन्नाटा छा जाता है, उसको शांति नहीं सन्नाटा कहते हैं। चेक करो, डन काम करते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, खोल अगला लो। वाला। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ, लीफ पेज लीफ पेज। अरे भाई चलो दे दिया, अपने को मिलेगा तो अपना रन करते हैं। चौथा है डॉकर इमेजेस। चलो हाँ, हाउ मेनी इमेजेस डॉकर इमेजेस गिनो, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर व्हाट इज द साइज ऑफ द, अरे यार क्लियर कर दी। उबुंटू इमेज का साइज है 73.8 MB। वी जस्ट पुल्ड अ न्यू इमेज, व्हाट इज द टैग ऑन द न्यूली पुल्ड एंजिनेक्स इमेज। पहले तो पुराना वाला एंजिनेक्स यूज करो, एंजिनेक्स है ही नहीं तो। ठीक है चलो, इसमें एंजिनेक्स का टैग क्या है, 1.14 Alpine है। We just downloaded the code of an application. What is the base image used in Docker file? Inspect the Docker file in the web app color type to be ls cd cd web app color ls। कुछ लोग ll भी यूज करते हैं। We just downloaded the code. Docker file को देखिए। Check the web app color. अच्छा। Cat. तो Python क्या करना है? अच्छा base image Python. जाना है, Python 3.6। ये जो from Python 3.6 है उसका करना है। और what location within the container is the application code copied during a Docker build? इंस्पेक्ट द डॉकर फाइल ऑप्ट में, ये करेंट फोल्डर को ऑप्ट में डाल रहा है। कंटेनर इज क्रिएटेड यूजिंग द इमेज बिल्ट विद दिस डॉकर फाइल, व्हाट इज द कमांड यूज टू रन द एप्लीकेशन इन साइड इट। इंस्पेक्ट द डॉकर फाइल इन द वेब ऐप कलर। एंट्री पॉइंट ही होगा पाइथन ऐप डॉट पी वाई। What port is the web application run within the container? 8080. Build a Docker image using Docker file and name it web app color. No tag to be specified. ठीक है। ये क्या था? Docker compose नहीं था। Docker file से image कैसे बनाते हैं? Docker build बिल्ड डॉट मारते हैं ना, नाम देना था, नाम दी। वीडियो में गलत था बाबू, वीडियो में नाम वाम कुछ था लेकिन एक्चुअली में फोल्डर लेता है डॉकर बिल्ड। फाइल का नाम दोगे तो सही नहीं होगा, डॉकर बिल्ड में खाली डॉट डालो, जो फोल्डर में डॉकर फाइल है वो अपने डॉकर फाइल पकड़ के और अपना काम कर लेता है।
इसका जो, एक कस्टम नेम भी डाल सकते हैं इसमें शायद। हाँ इमेज का नाम तो डाल ही सकते हो जरूरत पड़ने पर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में तुमको एक फोल्डर देना होगा, हम ये हाँ दे रहे हैं, ठीक है। और कंफर्म होने के लिए ये कर लेते हैं एक बार, पता चल जाएगा। हम लोग बहुत सारा चीज़ इसमें दे सकते हैं, होस्ट लिस्ट, बिल्ड आर्ग्यूमेंट, कैशे फ्रॉम सी ग्रुप पेरेंट, कंप्रेस सीपीयू पीरियड वगैरह वगैरह, शेयर्स, फाइन लेबल, सेट द मेटा डाटा फॉर एन इमेज। हमको लगता है ये लेबल का बात कर रहे हैं ना हम लोग, कि उसको कस्टम नेम दे सकते हैं। ठीक है चलो, कोई टैग स्पेसिफाई नहीं करना है। अरे नाम नहीं दिया मैं, नाम ये करने बोल रहे हो, अब ये क्या है? डॉकर बिल्ड एक साथ हाइफन हाइफन नेम, उसके बाद साथ नाम ओ देना। नहीं 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 वही तो बोल रहा, ऑप्शन टैग आपके दिया पहले जाता होते। है बाबू। अच्छा, टैग, हाँ टैग देना था, नाम नहीं देना था। टैग होता है वही तो, देखे अब चेक करो हो जाएगा, ठीक है। रन एन इंस्टेंस ऑफ द इमेज वेब ऐप कलर एंड पब्लिश पुट 80/80 ऑन द कंटेनर 2822 ऑन द होस्ट। हाँ डॉकर रन पुट 8282 8080 वेब ऐप कलर, सही है कि और कुछ करना है इसमें? अब ये होस्ट का 8282 हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सेस द एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द टैब नेम हो गया। अब व्हाट इज द बेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय द पाइथन 3.6 इमेज, ओके कंट्रोल सी करो, डेबियन हो क्लियर करो। हाँ वो तो हो गई है, पर फिर भी डॉकर इमेजेस सर्च करो, यहाँ पे पाइथन 3.6 है। उसके बाद फिर क्या करना है, रन एन इंस्टेंस ऑफ द इमेज टू फिगर इट आउट, मतलब कि पहले इमेज रन करो, डॉकर रन आईटी पाइथन 3.6 ही मार दो और अच्छा सीधे पाइथन खुल जाएगा। आईटी आईटी टैग क्या करता है? हाँ इंटरैक्टिव टर्मिनल दे देता है, लेकिन हमको अच्छा। पाइथन इंटरैक्टिव दे दिया जो हमको नहीं चाहिए था, ठीक है। तो हम इसको डिटैच मोड में चलाएंगे, नहीं डिटैच मोड में भी चलाने का जरूरत नहीं। उसके बाद एक कमांड देते हैं कैट, नहीं नहीं यहाँ पे हाइफन आईटी लिख के और उसके बाद बैस लिखोगे तो शायद बैस खुल जाएगा। स्लैश, अरे कौन सा फाइल में डिस्ट्रो इन्फो रहता है, विच फाइल कंटेन्स लिनक्स इन्फो डिस्ट्रो इन्फो, प्रॉक करके कुछ होता है, यहाँ पे है ना डेबियन बस्टर, तो ये डेबियन चला रहा है। तो हम लोग क्या किया बेसिकली कि रन करके
और ये कमांड रन किया, जैसे ही ये कमांड रन किया उसके बाद कंटेनर एग्जिट कर गया। तो अभी भी डॉकर पी एस ए में ये वाला इमेज दिखेगा, उबंटू 3.6 वाला जो 20 सेकंड पहले एग्जिट किया, लेकिन वो डॉकर पी एस में नहीं दिखेगा। वॉट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द वेब एप कलर इमेज? डॉकर इमेजेस की जाना वहां पर वेब 924 MB, दैट इज रियली बिग। हाँ है, तो लेट अस ट्राई टू ट्रिम इट डाउन। अब ट्रिम इट डाउन करने का मतलब ये होता है कि जब डेबायन का इमेज से बनाते हैं तो डेबायन बहुत सारा चीज़ उठाता है, लेकिन डॉकर के इकोसिस्टम में एक अल्पाइन लिनक्स करके कुछ है जो बहुत ही लाइटवेट लिनक्स सिस्टम है, और जो यूजुअली अल्पाइन हम लोग देखते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि लाइक ये 5.61 MB का है, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा तुम्हारा वो साइज़ घट जाता है। तो इसीलिए डॉकर हब में हम लोग अगर पाइथन सर्च करते हैं तो इसमें देखोगे कि अलग अलग तरह का, जैसे पाइथन वर्जन टैग है वैसे ही पाइथन अल्पाइन टैग है, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट में तुम्हारा 3 जो भी है, लेकिन हम लोग को 3.6 चाहिए, और 3.6 में फिर 3.6.11 अल्पाइन जो है उसी का नाम 3.6 अल्पाइन भी है, ठीक है। तो हम लोग ये 3.6 अल्पाइन पुल करेंगे, और बेसिकली ये डॉकर फाइल को एडिट करेंगे और बस एक डैश देके अल्पाइन दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कंट्रोल एक्स देने से सेव कर सकते हैं बफर को, और ऐसे ही अब हम लोग इसको टैग दे सकते हैं डॉकर बिल्ड डैश टी कलर लाइट और डॉट। फाइनल इमेज का साइज़ 150 MB से कम होना चाहिए, जो कि हो जाएगा ये 6 स्टेप के बाद। तो रिलेटिवली देखो तो हम लोग को कम टाइम भी लगा ये इमेज बनाने में, और यहाँ पे जो तुम्हारा वेब ऐप कलर में लाइट है उसका साइज़ 80 MB है, तो 150 से कम है। अब रन एन इंस्टेंस ऑफ न्यू वेब ऐप कलर लाइट एंड पब्लिश पोर्ट 8080 ऑन 8383। तो डॉकर रन पी सिस्टम का 8383 है, और इन कंटेनर का 80 है, ऐसा कुछ है रन कर रहा है 8383 में, चेक कर सकते हैं, और ये ख़त्म। चार लैब हो गया, अब पांचवा लैब में आते हैं ना, कमांड वर्सेस एंट्री पॉइंट।
ये वाला हम नहीं किए तो हमको हेल्प चाहिए होगा। विश्वा है क्या कि इंटरनेट अप डाउन हो रहा है? विश्वा हेलो। हेल्प चाहिए? हाँ यहीं पे कोशिश। ठीक है। डॉकर फाइल्स फॉर अ फ्यू कॉमनली यूज डॉकर इमेजेस आर गिवेन इन द रूट। इंस्पेक्ट देम एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, माई एस क्यू एल, उबंटू, पाइथन, वर्डप्रेस। ओके, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एंट्री पॉइंट कॉन्फिगर्ड ऑन द माई एस क्यू एल इमेज? तो माई एस क्यू एल डी है नहीं? नहीं डॉकर एंट्री पॉइंट और एसएसक्यूएल। अच्छा एंट्री पॉइंट है। अच्छा एंट्री पॉइंट और सीएमडी में अंतर क्या होता है? जहाँ तक हमको पता है एंट्री पॉइंट को सीएमडी के मतलब पहले एंट्री पॉइंट आता है फिर कमांड आता है। ठीक है, एंट्री पॉइंट का क्या काम होता है और कमांड का क्या काम होता है? मतलब कमांड का एक स्क्रिप्ट चलाना पड़ता है मतलब स्टार्ट होने के बाद, कंटेनर स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, लेकिन फिर मान लो जैसे जो कमांड है वो एग्जिट करेगा तब डॉकर का कंटेनर एग्जिट करेगा कि एंट्री पॉइंट एग्जिट करेगा तब कंटेनर एग्जिट करेगा? फाइनली डॉकर एंट्री पॉइंट डॉट एस एच स्पेस अपाचे 241। व्हाट इज द कमांड रन एंड स्टार्टअप इन उबंटू इमेजेस? इसमें कोई एंट्री पॉइंट है नहीं तो सीधे बैश होगा। रन एन इंस्टेंस ऑफ द उबंटू इमेज, रन द स्लीप कमांड एट स्टार्टअप, रन इट इन डिटैच मोड। अच्छा डॉकर रन उबंटू डे स्लीप 1000 ऐसा कुछ करना है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंट्री पॉइंट मतलब वो फाइल होता है जिसको हम एक बार लिखते तो फिर एडिट नहीं कर सकते, और सीएमडी हम मल्टीपल जो बाद में चेंज भी किया जा सकता है वो फाइल्स हम मेंशन करते हैं, मतलब वो वाले स्क्रिप्ट मेंशन करते हैं। अच्छा मतलब एक परमानेंट रहता है एक वेरिएबल रहता है। ठीक है। ओ ओ ओ क्या क्या महान काम। तो और भी महान काम किया। चलो उसको चेक करेंगे पास। ये वाला एक बार पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, एंट्री पॉइंट सेम डी वो बुक में पढ़ लेंगे, उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। नहीं भैया वीडियो में भी मेंशन है भैया। हाँ वीडियो में मेंशन है लेकिन फिर से अब देखने कौन जा रहा है? देखो काम खत्म करना मैंने खत्म करके आगे बढ़ना, कंटेंट का कमी नहीं है। ये हम 8 क्यों चालू कर दिए? पहले 7 करेंगे ना, नेटवर्किंग करेंगे ना, 6 करेंगे पहले। नेटवर्किंग। हेलो आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। ठीक है सिनेरियो शुरू कर रहे हैं। 13 यार कोई और काम करो इसको। कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है?
मेरा तो भूल भी जाएगा हम करेंगे। एक्सप्लोर द करेंट सेटअप एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नेटवर्क्स दैट एग्जिस्ट ऑन दिस सिस्टम। जल्दी बताओ। और क्या होगा डॉकर नेटवर्क ऐसे नेटवर्क ब्रिज है, होस्ट है, नन है, तीन है। अरे वाह। व्हाट इज द आईटी एसोसिएटेड विद द ब्रिज नेटवर्क? DD11। वाह, देखो बिना पढ़े भी एग्जाम पास ऐसे किया जाता है। वी जस्ट रन अ कंटेनर नेम्ड अल्पाइन वन, आइडेंटिफाई द नेटवर्क इट इज अटैच्ड टू। टॉकर पीयूएस, कनेक्ट, क्रिएट, डिसकनेक्ट, इंस्पेक्ट। अच्छा इंस्पेक्ट भी है, तो इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट है डॉकर इंस्पेक्ट और उसके बाद अल्पाइन वन शायद नेटवर्क लगाने का जरूरत है। ओह, ये नेटवर्क को इंस्पेक्ट करेगा। अच्छा हाँ हाँ उसी में सब दिख जाता है भैया, डॉकर इंस्पेक्ट और फाइन वर्क। होस्ट, होस्ट में है। होस्ट होस्ट ओके। व्हाट इज द सबनेट कॉन्फिगर्ड ऑन दिस नेटवर्क? पहले कोई बताएगा सबनेट क्या होता है? इसी वाला कोई है यहाँ पे? आप ही है भैया, आप ही है। तो भैया आप ही तो इलेक्ट्रॉनिक। फिर से पढ़ना होगा, पढ़ के हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे कभी। सबनेट तो एक रेंज ऑफ आईपी होता है ना। अच्छा, हमको आइडिया नहीं है। रेंज ऑफ आईपी जिसमें वो मतलब एक्सेस कर सकता है। अच्छा नहीं, एक्चुअली हमको क्या याद नहीं ना, ये जो आईपी का नोटेशन है ना, ये नोटेशन को कैलकुलेट करना सीखे थे इंजीनियरिंग में। हाँ, वो मास कैलकुलेट करना पड़ता है। हाँ, सीएसए में भी पढ़ाया गया था क्या? नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अच्छा, चैंपियन, हम लोग सब झेल चुके हैं। सीएस वाले भी पढ़ते हैं ये। सीएस वाले भी पढ़ते हैं सब? हाँ, हम भी भूल गए, 3 साल हो गए पढ़े हुए। ये एक बार रिवाइज करना पड़ेगा देख के लगा। 24 मतलब ये मास्क है, 24 मतलब ये गेटवे मतलब ये यहाँ से स्टार्टिंग है और 24 मतलब शायद ये 0.24 तक जाएगा, ऐसा कुछ है। हाँ, 24 तक जाएगा और 172.18.0.0 जो होगा ना ये फिक्स रहेगा वो इसका। हाँ, वो 0.0 जो होगा ना, वो क्या बोलते हैं यार, होस्ट का आईपी होगा शायद, गेटवे होता है वो। हाँ, नहीं यार, गेटवे तो 0.1, गेटवे तो 0.1 दिखा रहा है, पता नहीं फिर। अरे पूरा सिस्को, सिस्को का फ्रिकिंग कोर्स हो गए। हाँ, वो पूरा करवाया था, पैकेट ट्रेसर वगैरह उसमें यूज करना सिखाया था। इसको नन नेटवर्क में कैसे अटैच करते हैं जल्दी बताओ। डॉकर नन नेटवर्क डैश डैश यहाँ पे, यहाँ डैश डैश नेटवर्क होगा, उसके बाद इक्वल्स टू नन। कनेक्ट कंटेनर टू नेटवर्क, हाँ बस ये वाला डबल डैश नेटवर्क। डॉकर रन डैश डैश नेटवर्क इक्वल्स टू नन, इक्वल्स टू किस ऐसे ही नन नाम दीजिए नेम। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। चलो सही है। क्रिएट अ न्यू नेटवर्क नेम WPMySQL नेटवर्क यूजिंग द ब्रिज ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है जी? एलोकेट सबनेट ड्राइवर, ड्राइवर डिफॉल्ट ऑप्शन होता है डॉकर में नेटवर्क का। और इसको सबनेट असाइन करना है। तो बताओ ये सब कैसे करते हैं?
कमांड भूल गए। हिंट देखें क्या? हिंट देखें क्या? हाँ हिंट देखना पड़ेगा। डॉकर नेटवर्क तो है। हाँ डॉकर नेटवर्क क्रिएट। अच्छा नया नेटवर्क क्रिएट करना है ड्राइवर से, मतलब जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है जिससे वो निकलेगा वो ड्राइवर होगा, और उसको एक सबनेट देना है, और ये जो सबनेट है वो ब्रिज का जो सबनेट है उसका सबसेट होना चाहिए। ब्रिज डिफ़ॉल्ट है, मतलब ड्राइवर मेंशन नहीं करेंगे फिर भी ब्रिज ही हो रहा। हाँ पर जैसे ब्रिज जो है, ब्रिज का जो सेट ऑफ आईपीज है, ये जो सबनेट है वो उस सेट ऑफ आईपीज का सबसेट होना चाहिए। और ये गेटवे होना चाहिए कि ये जो WPMySQL नेटवर्क हम बना रहे हैं वो नेटवर्क, हमको लगता है कि ये गेटवे के थ्रू इस ब्रिज से जुड़ेगा, यहाँ तक के हमको लगता है। चलो देखते हैं, पढ़ेंगे इस बारे में थोड़ा सा। नेटवर्क क्रिएट ड्राइवर ब्रिज सबनेट। अरे भाई कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जा ये रहा है कि पेस्ट करने से तो www.1.24/24/1.2.1.8.0.1 WPMySQL network क्या बोला? एक कॉमा आ गया है डॉट पे। हाँ वही देखा। चलो चेक करो। डिप्लॉय MySQL डेटाबेस यूजिंग MySQL 5.6 इमेज एंड नेम इट MySQL DB। अटैच इट to the newly created network. Set the database password to use. The environment variable to set is docker run image name है MySQL DB और network है WPMySQL network और कुछ काम है क्या इसका? अच्छा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। MySQL root password इक्वल टू देते हैं क्या? हाँ इक्वल टू देते हैं। db_pass123 और उसके बाद क्या करते हैं? बस हो गया ना, और कुछ चाहिए इसमें? पुलिंग एक्सट्रैक्टिंग डाउनलोडिंग जो भी है कंप्लीट होने के बाद सही है। डिस्प्ले वेब एप्लीकेशन नेम वेब ऐप एक्सपोज पोर्ट ये होस्ट नेम ऑफ द MySQL डेटाबेस कहाँ से आएगा? अच्छा बिना क्विट के डिटैच करने का कुछ था ना, Ctrl Q Ctrl P करके। हेलो
कंट्रोल पी और कंट्रोल क्यू का जो की सीक्वेंस है ना, जैसे हाँ ये तो डिसकनेक्ट ही हो गया। फिर से करना पड़ेगा। जिसका आवाज अटक रहा है बाबू, कनेक्शन प्रॉब्लम। कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू दबाने से ना बिना क्विट के डिटैच हो जाता है, वही टेस्ट कर रहे थे तो उसके चक्कर में एनवायरनमेंट ही क्लोज हो गया। ये जो चल रहा है ना, हमको जहाँ तक लग रहा है तो चलो थोड़ा सा बाद में ये सब चीज़ करेंगे। जैसा तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है, जैसा तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, किसका इंटरनेट खराब है, मेरा कि तुम्हारा? आदित्य या आनंद कुछ बोलो ना एक बार, देखेंगे मेरा इंटरनेट खराब है कभी। हेलो रमेश, तुम्हारा आवाज बहुत सही आ रहा है। हाँ मेरा ही नेट स्लो है, मैं बोले कि उसकी इसका बटन पे क्लिक कीजिए ना वहाँ पर स्किप है। अरे कहाँ तक जाना है? सातवां सातवां पर रुके, इसे तो रुकना है ना। अरे उसके पहले वो भी तो चाहिए, छठा भी तो चाहिए रे। छठा भी तो चाहिए। पता स्किप करने से क्रिएट हो जाता हो? नहीं, तो फिर स्किप का क्या मतलब हुआ? नेटवर्क कैसे क्रिएट करेंगे? डॉकर नेटवर्क क्रिएट, नेटवर्क क्रिएट उसके बाद तो जो जो चाहिए वो दे दीजिए। उसके बाद सबसे पहले वो चाहिए शायद ड्राइवर। फिर सबनेट क्या देना था? सबनेट का वन एट्टी टू पॉइंट एटीन पॉइंट जीरो पॉइंट वन स्लैश ट्वेंटी फोर। गेटवे क्या था वो? पॉइंट वन ट्वेंटी फोर हटा के बाजी से भैया कोमा लग गया। और फिर उसका नाम देना था ना सिर्फ। अब उसके बाद हम लोगों को एक MySQL इस नेटवर्क पे रन करना था। डॉकर रन डैश डैश नेटवर्क। डब्ल्यू पी MySQL नेटवर्क। डब्ल्यू पी MySQL नेटवर्क और उसके बाद फिर नेम था उसका। उसके बाद नेम हाँ MySQL डैश डी बी। MySQL डैश डी बी उसके बाद उसका तो कुछ था क्या? एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा, पोर्ट शायद एक्सपोज करेंगे। हाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल पासवर्ड उसका MySQL रूट पासवर्ड। MySQL रूट
इक्वल टू क्या वो डीबी पास, डीबी अंडरस्कोर पास 1 2 3। पी ए एस था कि पी ए डबल एस था, पी ए डबल एस। एक बार ये चेक करो तो। पी ए डबल एस। उसके बाद उसके बाद पोर्ट एक्सपो, पोर्ट कोई मेंशन्ड है क्या? नहीं, पोर्ट नहीं मेंशन होना चाहिए क्योंकि डेटाबेस है, नेटवर्क में अटैच कर ही रहे हैं और उसको होस्ट देने देंगे। तो बस MySQL, MySQL 5.6 शायद। हाँ, 5.6 थी। यह हो जाएगा। उसके बाद ये बेसिकली सेम नेटवर्क पे कर रहा है। डेबी होस्ट नाम का एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है जिससे वो कनेक्ट कर रहा होगा, और डेबी पासवर्ड है सेम एज इट वाज। ये पोर्ट है, पोर्ट मेंशन कर रहा है, लिंक कर रहा है वो। अच्छा, ये लिंक कर रहा है वो डेटाबेस को। लिंक भी करना था यहाँ पे, लिंक MySQL DB कॉलन MySQL DB होगा सर। हाँ, और डिटैच मोड में चलाना है। हाँ, डिटैच मोड में भी नहीं चलाना। लिंक करने से क्या मतलब, वो वाला भी चल जाता है क्या? अच्छा, ऐसे भी टाइप करना ही पड़ेगा। अरे यार, लिंक शायद वो से मतलब लिंक का काम क्या होता है? हाँ, लिंक का काम क्या होता है? लिंक का काम होता है एक ही नेटवर्क में दो कंटेनर को एक दूसरे से बात करने के लिए एक मतलब इंटरनल चैनल डॉकर बना देता है। इसका आईपी उसमें वाइट लिस्ट कर देता है, उसका आईपी इसमें वाइट लिस्ट कर देता है। ये डेप्रिकेटेड है क्या चीज? लिंक। लिंक डेप्रिकेटेड है। इधर ठीक है, नया किताब इसके बाद पढ़ेंगे। लेगेसी फीचर ऑफ डॉकर, इट मे इवेंचुअली बी रिमूव अनलेस यू एब्सोल्युटली नीड कंटिन्यू यूजिंग। देखो, ये एनवायरनमेंट हैंग कर गया है, ठीक है, और कंट्रोल सी दबाने से कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग इसको पार करते हैं पढ़ पढ़ के, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू आर सक्सेसफुल यू शुड बी एबल टू व्यू द एप्लीकेशन, ठीक है। 9 में क्या? अच्छा, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। हाँ, अगला जाते हैं स्टोरेज। एक घंटा हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? आनंद आदि को नहीं विश्वास से ये सवाल कभी नहीं पूछे। हाँ, नहीं अभी क्या तक मेरा कभी कुछ नहीं बोल पूछे। रहा हम कुछ बोले बोल रहा है तू? तुमसे ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे कि दिक्कत नहीं ना हो रहा है बैठे रहने में। हम लोग का बस चले तो अभी रात को 3 बजे तक करते रहे यही काम। क्या वो याद आ गया ना भैया? चलती अभी भी है कितने हाँ, वही ऑफिस ब्रेकिंग की। पॉइंट था वही बाबू। फिर ऐसा बीमार पड़े कि व्हाट लोकेशंस आर फाइल्स रिलेटेड टू डॉकर कंटेनर्स एंड इमेजेस स्टोर। वेयर लिव डॉकर। हाँ देखो, बोले ना मेरा वेयर फोल्डर ज़्यादा बड़ा हो गया था, यही तो आज मेरा पीसी को उड़ाया है। ये तो कंटेनर आईडी देख लो, उसी से पता चल जाएगा। अच्छा डॉकर नहीं, पीएस है। ये तो इमेज आईडी बताएगा। अल्पाइन 3 6 0 8 8। ये तो वही पिछला वाला। हाँ, तो फिर डन माई एस क्यू एल।
नेम माई एस क्यू एल डी बी डिटैच मोड में चलाना है, एनवायरनमेंट पासवर्ड पासवर्ड MySQL रूट पासवर्ड DB पासवर्ड और इमेज माई एस क्यू एल होगा ना, और कुछ चाहिए क्या इसमें? लिंक कर सकते हैं, लिंक तो बाद में कराएगा, ये डिटैच मोड में चलाना था। राइटिंग डेटा टू डेटाबेस अभी अलग से दे, अलग से लेना वो एक वॉल्यूम में टेक्स्ट करेगा, फिर इसके बाद एक डेटाबेस को राइट करता, वो डेटाबेस को दिखेगा। यस जस्ट रिटन सम डेटा टू व्यू द इंफॉर्मेशन रन गेट डेटा डॉट एसएच एसएच यानी कस्टम डेटा डॉट एसएच जहां तक याद है रूट डायरेक्टरी मतलब इसी में होगा ना। थर्टी है आपके, हाँ क्रैश कर जाएगा, अरे क्रैश कर जाएगा, ओके मारना आपको खाली। अच्छा यस या नो, आर यू एबल टू व्यू दैट? कहाँ डेटा देखेगा क्रैश करने का बाद लगा है। एक बार रन कर लीजिए, रन कर लीजिए। हाँ डॉक्टर पीएस में कंटेनर है नहीं, डॉक्टर पीएस ये अल्पाइन वाला था, कौन सा था एसक्यूएल वाला, तो ए में भी नहीं दिख रहा है। मैं वो रन करना चाहता ना वो गेट डेटा राणा, दिस टाइम मैप अ वॉल्यूम टू द कंटेनर सो दैट डेटा स्टोर्ड है। ओके यूज द नेम डैश वी से होता है ना, ये मैप होगा तुम्हारा। चलो देखते हैं, राइटिंग डेटा टू डेटाबेसेस अगेन, उसके बाद सम डेज लेटर क्रैश करेगा, उसके बाद फिर से हम कंटेनर चलाएंगे डेटा दिख जाएगा, यही है ना? बस बस एकदम एकदम सही। ओके दे दिया है कन्वीनियंस के लिए। हाँ ठीक है, उससे ज़्यादा कन्वीनियंस मेरे पास है, ऐसे भी पेस्ट करने नहीं देता। हो गया, देखो लास्ट वाला भी खुद से दे देता हूँ। एट तो किए थे कल, तो तुरंत निकल जाएगा नहीं? कोई कुछ बोला क्या? लैब नाइन कमिंग सून बता रहा है ना, चलो लैब नाइन।
फर्स्ट क्रिएट अ पोस्टग्रेट डेटाबेस कंटेनर कॉल्ड डीबी, डॉकर रन नेम डीबी डैश ई पोस्ट पोस्टग्रेस पासवर्ड अच्छा किसी को ये पता है कि पोस्टग्रेस और मारिया डीबी में ज़्यादा अच्छा कौन सा या कब कौन सा यूज करना चाहिए? हेलो पोस्टग्रेस और मारिया डीबी में ज़्यादा अच्छा कौन सा है क्या यूज करना चाहिए? नेम डीबी है, इमेज बैक्सली इमेज का नाम दिए ही ये ना वो बात तो बताया करो रेड कलर का कनेक्शन आ रहा है। अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी, डायरेक्ट स्ट्रीम कर रहे होते ना तो कितना बार जल्दी जल्दी आगे बढ़ो यार, हमेशा डेटाबेस को डिटैच मोड में चालू करो। नेक्स्ट क्रिएट अ सिंपल वर्डप्रेस कंटेनर कॉल वर्डप्रेस, डॉकर रन वर्डप्रेस ज़्यादा एक्साइटेड होगा। इमेज वर्डप्रेस लिंक इट टू द कंटेनर डीबी, लिंक डीबी डीबी और पोर्ट इसका 8085 और उसका 8080 और इमेज वर्डप्रेस। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये कहानी होगा और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। हाँ error response some time and full access denied for DB repository does not topper run name अरे यार हम गलत जगह ये डाल दिए, सब बताना चाहिए ना। डीबी चल रहा है अब, ये वर्डप्रेस वाला चलाना है फिर से। लिंक सिर्फ डीबी होगा क्या? नहीं नहीं वो सही है लेकिन पहले से ही है कंटेनर को। ये नेम इक्वल टू वर्डप्रेस कब से हम लोग यूज करने लगे? इसका तो जरूरत नहीं था। नेम वर्डप्रेस लिंक डीबी डीबी पी 8085 जो कॉन्फ्लिक्ट है चलेगा काम, चेक करो वर्डप्रेस आ जाना चाहिए। आगे बढ़ो क्लीन अप
डॉकर RMS डॉलर डॉकर PS चलो चेक। उसके बाद फिर क्रिएट डॉकर कंपोज एम तीसरा वाला फेल हो जाता एमकेडीआईआर वर्डप्रेस ओके टच क्यों देंगे, सीधे नैनो देंगे। डॉकर कंपोज डॉट आई एम ए, इतना करने से बेहतर है आंसर्स वाला सही कर लो। CP ऐसे भी काम करने वाला है नहीं। आंसर्स क्या था? डॉकर कंपोज डॉट आई एम कैट, ये हो गया। अब डॉकर कंपोज अच्छा, डॉकर कंपोज एक सिंगल कमांड है। डॉकर कंपोज अप ये हो गया, अपना काम करेगा, वर्डप्रेस भी काम करेगा। इसे चेक करेंगे, ये एरर देगा। ये क्या हो रहा है भाई, सिंटैक्स चेक ही फेल कर जा रहा है। खैर छोड़ो, ये फेल ही करना था, फेल ही कर रहा है। वर्जन वर्जन क्या वर्जन मिसिंग है, क्या चीज़? स्टार्टिंग में वर्जन दिया जाता था इसीलिए सिंटैक्स फेल हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वर्जन 1 ले। हम लिखे थोड़े हैं अभी अपने से, समझ रहे बात को? कंपोज फाइल में वर्जन सबसे नीचे है, उसका इशू नहीं है। ये तो उस दिन भी इशू आया था ना, जिस दिन हम लोग कर रहे थे। हाँ, उस दिन इशू आया था, खाली ये वाला नहीं हो रहा था। तो ये मान के चलो कि टेस्ट इसका सही नहीं है, कह के देखो ना, वर्डप्रेस तो खुल ही रहा है, और क्या चाहिए। हाँ वही इशू होगा इसमें, क्योंकि वर्जन तो लिखा हुआ है ही उसमें सबसे नीचे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये डॉकर का वर्डप्रेस का लेटेस्ट निकाल रहा हो, ठीक है। इसमें वर्डप्रेस का एग्जैक्ट वो वर्जन नहीं दिया हुआ, वर्डप्रेस इमेज का वर्जन, उसके इमेज का वर्जन, इस कारण से इसको परेशानी हो रहा होगा, मे भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके साथ ख़त्म हो गया। तो एक तरीके से 1-1.5 घंटा का कुछ बन गया, जिसको अगर हम लोग 2x पे देखें तो एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर बाकी। हाँ फिर बाकी देखते हैं फिर। हाँ अब फिर, रमेश बात करते तुमसे। हाँ चलो बाय। चलो सुन बिस्वा, हेलो।